चीन के 59 ऐप्स को बैन करने के फैसले पर भारत को अमेरिका का साथ मिला है। अमेरिका ने कहा है कि भारत ने अपनी संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए ये सही फैसला लिया है। उधर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी ऐलान किया है कि सड़क और हाईवे के हर प्रोजेक्ट से चीनी कंपनियों को आउट किया जाएगा। चीन की एलएसी पर की गई चालबाजियों का हिंदुस्तान ने जैसे ही करारा जवाब देना शुरू किया, दुनिया भर में भारत के पक्ष में आवाज आने लगी। चीन के खिलाफ दुनिया को अपने पक्ष में लामबंद करने में भारत कामयाब हो रहा है। हिंदुस्तानी फौजियों ने पहले सरहद पर चीन के सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया और अब चीन पर दनादन डिजिटल स्ट्राइक किया जा रहा है। चीन तिल मिलाया हुआ है क्योंकि इस बार चीन के 59 ऐप्स को बैन करने के फैसले पर भारत को अमेरिका का साथ मिला है। हम भारत द्वारा चीन के मोबाइल ऐप्स पर लगाए बैन का स्वागत करते हैं। ये ऐप्स कम्युनिस्ट पार्टी के लिए जासूसी करते रहे हैं। भारत की क्लीन ऐप अप्रोच भारत की संप्रभुता को मजबूत करेगी, इससे भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होगी। भारत के कड़े रुख ने चीन के होश ठिकाने लगा दिए हैं। ये बदले हुए हिंदुस्तान की आवाज है जिससे चीन की नींद उड़ी हुई है। अमेरिका ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि चीन के ऐप को भारत में बंद करके भारत ने बिल्कुल सही किया है। भारत ने अपनी संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए 2 दिन पहले फैसला लिया और अब अमेरिका भी इस फैसले के साथ खड़ा है। हम भारत द्वारा चीन के मोबाइल ऐप्स पर लगाए बैन का स्वागत करते हैं। ये ऐप्स कम्युनिस्ट पार्टी के लिए जासूसी करते रहे हैं। भारत की क्लीन ऐप अप्रोच भारत की संप्रभुता को मजबूत करेगी, इससे भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होगी। चीन ने पहले भारत की दोस्ती देखी थी, स्वागत देखा था और अब गुस्सा देख रहा है, अपनी बर्बादी का नजारा देख रहा है। पहले दूर संचार विभाग ने चीन को अपने प्रोजेक्ट से अलग किया, फिर रेलवे ने अपने आप को चीन से अलग किया और अब चीनी कंपनियों को हाईवे प्रोजेक्ट्स में भी काम नहीं मिलेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी ये फैसला किया है कि अब चीनी कंपनियों से कोई दोस्ती नहीं। सरकार जल्दी ही हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों को काम देने पर रोक लगाने वाली है। चीन की कंपनियों को ज्वाइंट वेंचर पार्टनर के तौर पर भी काम नहीं करने दिया जाएगा। सरकार जल्द ही एक पॉलिसी लाएगी और इसके बाद चीन को हर प्रोजेक्ट से किनारा कर दिया जाएगा। ये चीन पर अब तक की सबसे गहरी आर्थिक चोट होगी। सरकार जल्द ही बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए बीडिंग से जुड़े प्रोसेस में बदलाव करने वाली है। कोशिश होगी कि बीडिंग प्रोसेस में ज्यादा से ज्यादा भारतीय कंपनियां हिस्सा ले सकें। सरकार चीन के इन्वेस्टर्स को भारत के माइक्रो, स्मॉल और मीडियम स्केल उद्योगों में निवेश करने से भी रोकने वाली है। सरकार की पूरी कोशिश है कि चीन को हर तरीके से बता देना कि उसने भारत को छेड़कर कितनी बड़ी भूल की है। पहले 59 ऐप बैन किया गया और अब बैन किए गए वैबो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना अकाउंट भी बंद कर दिया। 2,44,000 फॉलोअर्स थे जिनमें अधिकतर चाइनीज थे। कुल मिलाकर चीन को घेरने के लिए सरकार चौतरफा नीति पर काम कर रही है। फौज अलग, कूटनीति अलग और अब आर्थिक चोट। इस चोट ने चीन पर सबसे सॉलिड प्रहार कर दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना अपनी रफ्तार से फैल रहा है। सरकार और प्रशासन इसकी रोकथाम की कोशिश